खुले आसमान के नीचे अपना जीवन काटने को मजबूर कुछ गरीब लोग, जो कि छोटे छोटे काम कर अपना जीवन गुजर बसर कर रही हैं। दरअसल ताजा मामला सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के कोर्ट रोड पुल का है, जहां पर रात के समय फुटपाथ पर सोने वाले कुछ गरीब लोग सो रहे थे और रात के लगभग 1 बजे करीब 1.5 साल के बच्चे को कुछ लोग उठाकर भाग गए। जब बच्चे की मां की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका बच्चा उसके पास नहीं है। रात को ही बच्चे की मां ने आसपास के क्षेत्र में बच्चे की तलाश की, लेकिन बच्चा नहीं मिला। महिला का कहना है कि उसने संबंधित थाने में इसकी शिकायत भी की, लेकिन बच्चे का फोटो नहीं होने के कारण बच्ची चोरी की रिपोर्ट नहीं हो सकी। महिला ने बताया कि बच्चे के साथ साथ उसका मोबाइल फोन भी चोर चोरी कर फरार हो गए। 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बच्चे का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। बच्चे की उम्र लगभग 2.5 साल बताई जा रही है और बच्चे की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। हम सो रहे थे पार्किंग में अंदर, 2-2.5 साल का मेरा लड़का है। 1-1.5 बजे रात को मेरा लड़का, क्या पता किसने उठाया, वो मुझे पता नहीं। हम बच्चे के साथ सो रहे थे, उनके बाद में मैंने किसी से मदद मांगी थी, उसने मुझे मदद नहीं दी। अब 2 दिन हो गया मुझे रोते रोते को, मेरा बच्चा मिला नहीं। तलाश नहीं किया उसको बच्चा? उसको तलाश किया था मैंने, पर उसका फोटो अभी अलीगढ़ में है, मेरा घर वाला लेने के लिए गया। कल तक कल वो फोटो आ जाएगी, मैं अखबार में फोटो दे दूंगी। क्या काम करते हो? हम लोग गमला बेचते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो थाने में नहीं गए? थाने में नहीं गए। पुलिस वाले को रात को उसी जिस टाइम बच्चा उठाया उसी टाइम मैंने खबर करी पुलिस वाले को, पर मेरे पास फोटो नहीं था, मोबाइल के साथ बच्चा चोरी हो गया। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज़, हर खबर पर पैनी नजर।